मंत्री, उसके अधिकारी, उनके फोटो, उनके फोनों का वो रिकॉर्डिंग करेंगे, वो बाकी ये चीज़ में ये ईडी किस अधिकार से कर रहा है, किसकी निगरानी करे, कोई इससे कम करे, उससे किसी के अपराध कोई कम नहीं होते हैं। ईडी ने एक शपथ पत्र दायर की है और उसमें नाम है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस एडवाइजर अभिषेक प्रसाद पिंटू का, और एक कहा गया है ईडी के तरफ से कोर्ट में कि ईडी के अधिकारियों पर निगरानी रखा जा रहा था, एक तरीके से उनका पीछा कराया जा रहा था। अखबारों में भी एक खबर आई है, हमारे साथ भाकपा माले के विधायक हैं विनोद सिंह जी, ये जो तरीका है और जिस तरीके से ईडी ने शपथ पत्र दायर करके बताया है, इसको कैसे देख रहे हैं राज्य के लोग? देखिए, इससे तो बहुत ही साफ है, स्पष्ट है, वो अलग बात है, दिगर बात है जो अखबारों में आया है कि भाई इस पे किसी ने कहा या किसी के ऊपर निगरानी रखा, वो निगरानी रखना सही है कि गलत है। लेकिन सवाल इससे तो एक बात तो स्पष्ट हो जा रही है कि बहुत साफ कि ईडी जो है एजेंसी है, बिना किसी जानकारी, बिना कोर्ट के परमिशन, बिना लोगों के है, जो लोग सरकारें जहां लोग चल रहे हैं, चला रहे हैं, उनके फ़ोन की टेपिंग करती है, उनकी निगरानी करती है। तो खुद तो इतनी बात तो ये पुष्टि, इससे जो ईडी पे जो आरोप लग रहे हैं, इस बात की तो पुष्टि स्पष्ट हो रही है। ईडी खुद ही कह रही है कि भाई किसी राज्य में कौन है, नागरिक हैं, क्या किसी कोर्ट से आदेश लिया गया कि कोई सरकार है तो उसके मंत्री, उसके अधिकारी, उनके फोटो, उनके फोनों का वो रिकॉर्डिंग करेंगे, वो बाकी ये चीज़ में ये ईडी किस अधिकार से कर रहा है। बाकी मुझे लग रहा है कि कोई भी एजेंसियाँ हैं, वो जो भी लोग हैं, जो भी सदस्य चला रहे हैं, उससे कोई किसकी निगरानी करे, कोई इससे कम करे, उससे किसी के अपराध कोई कम नहीं होते हैं। इनके पास सबूत है, जिनको भी जो आरोप है तो उन आरोपों के लिए न्यायालय है, कोर्ट है, न्यायालय उस पर कार्रवाई करे, न्यायालय पे वो अपनी बात दायर करे। लेकिन इससे एक बात तो और स्पष्ट है बहुत, कि भाई जो बात पूरे देश में लोग लगा रहे हैं कि ये सरकार ईडी के माध्यम से लोगों की जासूसी, लोगों की नागरिकी, लोगों की रिकॉर्डिंग, लोगों को धमकी दे रही है। एक तो आप जिस तरीके से बोल रहे हैं, ये तो जांच का विषय है ही कि ईडी इसमें जांच की क्या विषय, ईडी तो खुद ही समझ करके कर रही है कि भाई फोन रिकॉर्डिंग करके, फोन टैपिंग के लिए परमिशन लिया गया कि नहीं लिया गया। वो तो बताए, वही कह रहे हैं कि भाई कि राज्य के लोगों को फोन, एक नागरिकों का, उसके बारे में, किसी के बारे में, इस बात की तो पुष्टि हो रही कि यही आप कर रहे हैं, आप यही कर रहे हैं, इसमें से तो कहीं से कोई दोहरा नहीं है। रही बात उसको लेकर के, हमने कहा कि वो स्पष्ट बात है, वो मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार हों या कोई अधिकारी हों, कोई चीज़ें हैं अगर नियम के विपरीत अगर कोई चीज़ें कर रहे हैं तो ईडी के पास सारे अधिकार हैं, न्यायालय हैं, उस पर वो रखें बात और उसके ऊपर कार्रवाई करें। एक पक्ष जो मजबूत पक्ष है, जिस पे आपने सवाल खड़ा किया कि फ़ोन टैपिंग किया जा रहा है और देश भर के लोग इस पे बातचीत भी कर रहे हैं कि भाई ईडी जो है एक टारगेटेड काम कर रही है, लेकिन अगर चार्जशीट की अगर चीज़ों को देखें तो जैसे जेल में भेज करके ईडी बोल रही है कि भाई जेल में भेज करके पंकज मिश्रा से वहाँ पूछवाया गया कि कैसे क्या किया जाए, क्या क्या सवाल किया जा रहा है, तो इस तरीके की जो रेकी हो रही है तो दोनों तरफ से तो देखना होगा। तो बिल्कुल बिल्कुल मैंने कहा कि भाई जो भी मसले हैं, कि जो भी लोग अगर नियमों को अपने पदों में बैठे हुए फायदा उठा रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं, चाहे राज्य सरकार के पक्ष से हों, चाहे केंद्र सरकार के पक्ष हों, तो न्यायालय को इस पर देखना चाहिए, संबंध देना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। विनोद सिंह ने काफ़ी एक बड़ा सवाल खड़ा किया है कि ये ठीक है कि ईडी ने चार्जशीट में जो बातें मेंशन की है उस पर भी न्यायालय काम करेगी, जांच भी होनी चाहिए, लेकिन ईडी ने अपने चार्जशीट के जरिए इतना स्पष्ट कर दिया है कि वो फोन टैपिंग कर रही है, ये कहना है विनोद सिंह का। शुक्रिया। And toppers. Class 8, 9, 10, 11th and 12th के students के लिए आ गया है Biome Talent Reward Examination, जहां उड़ान admission scholarship में पाएं up to 1.25 crores discount and up to 100% scholarship in classroom program along with cash prize and reward. Biome, Hino एवं Nagra Toli, Ranchi. Vivekanand Vidya Mandir School एक CBSE affiliated English medium co-ed school है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in